ईस्टर्न बॉर्डर्स पर बन सकता है तो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स पर क्यों नहीं बन सकता? मेरा कहना है कि भारत और पाकिस्तान को भी इससे कुछ ना कुछ सबक लेना चाहिए। हाल ही में हमारे दरमियान एक सीज फायर हुई, क्यों ना उसके ऊपर बिल्ड करके हम दो कदम और आगे बढ़ाएं। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। वेलकम टू द प्रोग्राम सर। शुक्रिया ना, थैंक यू। पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर से आपका ताल्लुक है, या हमारे यहाँ पे जिसे पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर भी कहा जाता है, तो आप जब इस किस्म की खबरों को सुनते हैं तो क्या आपका दिल नहीं करता कि भाई हमने ऐसे कौन से गुनाह कर दिए? हम तो एक ही लोग हैं और एक दूसरे से मिलना भी चाहते हैं, हमें भी कोई मिला दो, हमारे दरमियान भी कोई ब्रिज बना दो। देखें जी, ये तो खैर पर्सनल फीलिंग्स से हटके जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी फीलिंग्स, और स्पेसिफिकली जो पॉपुलेशन इस इश्यू के साथ इन्वॉल्व है ना, इंडिया पाकिस्तान का किसी ना किसी तरीके से, तो उनके लिए तो ये हमेशा एक बड़ी खबर होती है। स्पेसिफिकली जहाँ कहीं भी ब्रिज बिल्डिंग की बात हो, अब जहाँ चूंकि देखें जिस तरीके से भी कोई पॉपुलेशन इफेक्ट हुई है, फॉर एग्जांपल कहीं फैमिलीज डिवाइड हुई हुई हैं, कहीं लोग जो वैसे हिंदुस्तान के विजिट करना चाहते हैं या हिंदुस्तानी पाकिस्तान के विजिट करना चाहते हैं एज ए विजिटर्स, लेकिन उनके लिए मुश्किलात हैं बिकॉज ऑफ डिस्टेंस सिचुएशन एंड अनयूजुअली कोल्ड किस्म की जो रिलेशनशिप है दोनों कंट्रीज के दरमियान। तो इस तरह की जब बात आती है तो उसमें सबसे बड़ा सवाल लोगों के जहन में हमेशा ये उठता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बाद चीज़ें लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं एक बहुत बड़ी जो तल्ख हकीकत के तौर पे, कि बाद स्पॉट्स ऐसे हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जिन्होंने सारा जो ब्रंट है ना, ब्रंट ऑफ दी हॉल, ये जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मैस क्रिएट हुई है 1947 के बाद, वो सारा उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। मसलन आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कश्मीर की LOC पे, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर हुई है, तो आपने देखा गुज़श्ता 2-3 साल से जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान एक टेंस सिचुएशन है, ताल्लुकात ख़राब हैं, हॉट एक्सचेंज है, अननेसेसरी किस्म की नाराज़गी है, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो जाके LOC से ही होती है ना, कि फायर हो गई, फायर जारी है, फायर बंद नहीं हुआ, इतने बंदे मारे गए। सेम चीज़ जो है वो जब बसें और ट्रांसपोर्ट वगैरह दूसरे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बंद हो जाते हैं या वीज़े रोक दिए जाते हैं, तो वो लोग महसूस करते हैं कि भाई ये वागा हो गया या LOC हो गई, ये हॉट स्पॉट हैं, और अगर ये बाकी कहीं भी जो है वो ताल्लुकात नॉर्मल भी हो जाएं कुछ ऐसे, जैसे पिछले अरसे में वो कॉरिडोर का इशू आ गया था तो इस हवाले से, तो फिर भी ये जो बास पार्ट इन्होंने जिंदा रखे होते हैं ना, जिनको आप कह सकते हैं कि दुश्मनी की आखिरी निशानियां, तो वहां पे डेफिनेटली लोगों के दिल बड़े जलते हैं और वो इस पे क्वेश्चन उठाते हैं जैसे आपने उठाया है कि व्हाई नॉट, व्हाई इज लाइक दिस, एक जेन्युइन क्वेश्चन है आपका। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन उठेगा तो बात आगे बढ़ेगी, ऐसे सवाल उठाने पड़ेंगे जी। हम सारी उम्र इस नफरत में तो नहीं रह सकते। आप क्या समझते हैं, आज हमारे दोनों मुल्कों में एक माहौल है, या फिर यूं कहें माहौल बनाया गया है कि जिससे ये लोगों को तासुर दिया गया है कि नहीं, हम एक दूसरे के साथ अमन से मोहब्बत से रह ही नहीं सकते हैं, और यही हमारी रियलिटी है जो कि आज हम फेस कर रहे हैं, और ये अच्छा हुआ जो भी हुआ है, और पाकिस्तान के साथ में हमारी कोई बात नहीं होनी चाहिए, उधर पाकिस्तान में ये कि इंडिया के साथ कोई बात नहीं कर सकते। तो फिर आप क्या समझते हैं कि क्या हम इस परपेचुअल हॉस्टिलिटी में रह सकते हैं? नहीं, ये माहौल है नहीं, आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, और ये अगर इस तरह की फीलिंग्स कोई 5% भी हैं तो इनको इन्फ्लेट करके तो 80% 90% बना दिया गया है, बल्कि एक बहुत बड़ी वक्त की आर्टिफिशियल सच्चाई के तौर पे जो है ना लोगों पे इसको इम्पोज कर दिया गया। हकीकत ये है कि जब कभी भी लोग सोचते हैं अपने तौर पे तो वो इसके बरक्स सोचते हैं, लेकिन ये हमेशा ट्रेजेडी रही है तारीख की कि अवाम जो होते हैं ना हुक्मरान तबकात को फॉलो करते हैं, हुक्मरान तबकात जिस तरह का फैशन करते हैं,
जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह के खाने खाते हैं, लिबास पहनते हैं, फैशन, ये सारी चीजें, तो वो उसको नेचुरली लोग फॉलो करते हैं। ये हिस्ट्री में होता आया है हजारों सालों से, यानी तारीख में सबसे ज्यादा जो चीजें जो है आवाम को मुतासर करती हैं वो हुक्मरान ही होते हैं। तो अब ये हुक्मरान अगर जो है वो इस तरह का दर्स देना शुरू हो जाएं कि जी हमारे दरमियान दुश्मनी है और फॉर एवर है और इसका हल एक दूसरे की तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं, तो आवाम भी उससे आँख से आँख मिलाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो ही अमन की बात होती है या कोई ऐसा मौका निकलता है कि जिसमें अमन की जो है वो कोई उम्मीद हो, कोई इस तरह का रास्ता निकलता हो, तो मैं समझता हूँ कि अवाम एकदम जाग जाते हैं। और अगर यही हुक्मरान तबका जिन्होंने आज इस तरह सींग अड़ाए हुए हैं और एक दूसरे के खिलाफ एक बहुत बड़ा नफरत अंगेज किस्म का माहौल क्रिएट किया हुआ है, ये अगर आज तय कर लें कि आज से हम जो है वो दोस्त हैं, तो विद इन 3 मंथ्स आप देखेंगे कि एकदम जो है ना वो सिचुएशन पलटा खा जाएगी। यानी मैं बहुत मे बी के शॉर्ट टाइम कह रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत रियलिस्टिकली थिंकिंग के बाद जो है वो कह रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें जो होती हैं ना, इनका बेशक जो है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जरूर होता है इमोशनली या साइकोलॉजिकली। जो आपके दरमियान वाकयात हुए होते हैं, कहीं जंग हुई हुई है या कोई खून खराबा हुआ है, लेकिन वो कोई ऐसी परमानेंट चीज अगर होती तो दुनिया में कहीं भी फिर जो है वो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो इस तरह ना बनते। जबकि हिस्ट्री हमें इसके अपोजिट बताती है, हिस्ट्री हमें ये बताती है कि जितने मुल्कों के दरमियान ज्यादा जंगो जदल खून खराबा हुआ, उनके दरमियान ताल्लुकात इतनी तेजी से नाकाबले यकीन हद तक जो है वो बढ़ गए कि लोग शीरो शक्कर हो गए, एक मुल्क की तरह हो गए। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो है वो सैकड़ों जंगें जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कैनेडा ने आपस में लड़ी हैं, सख्त किस्म की दुश्मनियां, एक दूसरे के खिलाफ जो है वो साजिशें, मुल्क तोड़ने की चीजें, ये सारी चीजें जो है इसकी एक पूरी हिस्ट्री है। और उसके बाद जब हुक्मरान तबकात ने अमन की तरफ कदम बढ़ाया तो ये ऐसे आपस में जो है वो मिक्स अप हो गए जैसे कभी इनके दरमियान कोई नाराजगी रही नहीं। यूरोपियन यूनियन को देख लें,